अच्छा वीडियो बनाते हुए ना धूप आंखों में पड़ती है और ना ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ठीक है मिनट बाद तो इसको थोड़ा सा ना चेंज भी करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज हम लोग अभी इस टाइम ड्यूटी पे आगे हुए हैं, मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है ना। आज तो सूरज भी निकला हुआ, नहीं तो कल बहुत प्यारा मौसम था, मैंने कल की वीडियो भी बनाई थी, बारिश भी हो रही थी ना, बड़ा मतलब ना शुष्काने वाला मौसम हुआ हुआ था, ठीक है ना। और अभी हम फ्राइडे आज, ठीक है ना, तो आज हमने जाना था क्योंकि फ्राइडे को हम लाजमन वीडियो बनाते हैं। फ्राइडे को हम लोगों ने जाना था कि हमें दुबई या तबुक, और अभी हम ड्यूटी पे हैं, नहीं जा सके क्योंकि आज काम लाजमी था, क्योंकि काम थोड़ा सा ख़त्म करने वाला था, तो इसलिए उन्होंने कुछ वर्करों को जो से आए थे ना उनको बुला लिया। और अभी हमारे जो वकास भाई हैं ना, वो उनके पास है चाबी टूल बॉक्स की, और टूल बॉक्स निकालेंगे फिर हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। और अच्छा मैं वीडियो बनाते हुए ना ज़्यादा ऐसे ऐसे देखता हूँ, बट ऐसे नहीं मुझे देखना चाहिए, मैं अब ज़्यादातर मोबाइल के कैमरे में फोकस रखूँगा, ठीक है ना। ये हमारे वकास भाई हैं, ठीक है ना, और ये भी आ गए हैं, इन्होंने क्या नाम देते हैं ये बॉक्स वगैरह निकाले हैं। और अभी हम लोग इस रूम की पहले फ्रेमिंग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, और फिर जिप्सम लगाएंगे। तो वकास भाई स्टार्ट करें करें। और ये हमारे उस्मान भाई है, अल्लाह तेरा ही आश्रय। और हम लोग चैनल फिटिंग कर रहे हैं, ये देखो ये जो सा लगा हुआ ना इसको फ्रेम बोलते हैं, ये वाला, ठीक है ना। और इसको हम जो सा लगा रहे हैं ना इस सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये इसको भी पाकिस्तान में कोरी बोलते थे, ठीक है ना। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये लगेगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम इसकी फिटिंग करेंगे। और ये लगेगा इस पतरी के साथ, ये बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है ना, सामान भी लगा रहे हैं। और इसी के बाद ना ये जो सी पट्टियाँ भरी हुई हैं ना, ये चैनल जो से भरे हुए हैं, ये भी लगेंगे, ये लगेंगे इस तरह, मतलब ठीक है ना, ये मतलब तकरीबन टोटल लगेंगे आठ, बकास आठ लगने हैं, ए लेंथ लगनी है, दो दूसरियाँ लगनी है, उन्हें वो आठ लेंथें लगनी है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद लगेगा जिप्सम बोर्ड ऊपर, ठीक है ना, वो नीचे पकड़ के रखेंगे, स्क्रू लगते हैं। तो अभी हम इसका फ्रेम कंप्लीट कर रहे हैं, तो अभी ये जो सा ऊपर फ्रेम यहाँ पे इस हिस्से पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अभी फ्रेम नहीं लगा है, ये अभी फ्रेम ब्लॉक नज़र आया ना बॉक्स से, यानी डब्बे की तरह ये अभी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। और इस साइड पे ये अभी नहीं हुए हैं, ये देख सकते हो, आपको वाजें नज़र होगा, ये लेंथ लगी हुई है ये वाली, ये अभी हाफ हुआ है, ठीक है ना। तो अभी हाफ यहाँ पे भी करने लगे हैं, ठीक है ना। और अभी जुम्मे का टाइम हो गया, जुम्मा पढ़ने जाने लगे अब सब लोग, ठीक है ना, तो फिर आएंगे फिर इसको हाफ को करेंगे। ये देख के आप समझ ही गए होंगे, धुप च लैके जा, धुप च लैके जा, मैं इसके दंगाड़े पे आया हूँ, ये कौन है भला। सेफ्टी वाला आ गया, हम नीचे उतर गए हैं, ये मलक था मेरे साथ, ठीक है। अभी हमारा जुम्मे का टाइम हो गया, जुम्मा पढ़ने जाएंगे और लंच करने जाएंगे, और वो सेफ्टी वाला आ रहे हैं, वो तो जानते ही हो चाचू वकास, चाची चल जुम्मा पढ़न, चलो चलो चलो। अभी हम लोग जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, और फिर खाना भी वहाँ पे खाएंगे, फिर बाद में वापस आएंगे, अपना काम कम्प्लीट करेंगे और फिर छुट्टी हो जाएगी। फ्राइडे को लाजमी व्लॉग बनाना था, आज हमने बना लिया। तो अभी हम लोग खाना वगैरह खा के वापस आ गए हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग जाने लगे हैं बिल्डिंग्स में, वहाँ पे जाकर काम करेंगे, खाना वगैरह खा लिया, जुम्मा वगैरह पढ़ लिया, नमाज पढ़ी नहीं क्योंकि यहाँ पे ही नमाज पढ़ लेते हैं, वो अभी भी लाइन लगी हुई है वहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो अभी हम ये पानी की बोतलें हैं, दोनों मेरी हैं, उसकी कोई नहीं है, नज़र आ रहा पीछे, पता नहीं, मैं बैक कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो बनाते हुए ना धूप आंखों में पड़ती है और ना ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ठीक है मिनट बाद, तो इसको थोड़ा सा ना चेंज भी करेंगे हम, मतलब कंफर्टेबल नहीं ना होता बंदा वीडियो बनाते हुए, बाकी कोई नहीं हम तो बनाएंगे। तो बच्चों अभी ब्रेक का टाइम खत्म होने में ना टाइम पूरा हुआ, ठीक है ना, और मैं एक रूम में आके मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी सी बातें वगैरह कर लेते हैं। बेसिकली ना सऊदीया में आई डोंट नो कि मैं कैसा व्लॉग बनाऊंगा, कैसे अपलोड होगा, ठीक है ना। मेरी आपको ड्यूटी टाइमिंग में टाइमिंग का भी पता है, मैं सुबह उठता हूँ और शाम को घर आ जाता हूँ वापस अपने कैंप में, ठीक है ना। रात को ही निकलना होता है, रात ही होती है, अंधेरा ही होता है, ठीक है ना, और अंधेरे में ही हमने वापस आना होता है, बाकी आपको पिछली मेरी वीडियोस में पता होगा। और मैं कोशिश करूँगा अच्छा से अच्छा व्लॉग अपलोड करूँ, ठीक है, आपको इंटरटेन करूँ, मतलब मैं बेसिकली ये वीडियो जो सी व्लॉगिंग वाली बना रहा हूँ ना, ये मैं अपने यूट्यूब अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं पहले आर्ट का काम करता होता था ना, वुड आर्ट का,
और वो मैं पेंडिंग रखा हुआ है, ठीक है ना, वो मेरी हॉबी समझ लो आप लोग, ठीक है ना। तो वो एक शौक होता है बंदे को, तो मैं इस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए ना, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान जाऊं और वही वाली वीडियोस जो सी है ना, मतलब वुड आर्ट वाली, वो मैं दोबारा अपना मतलब जो ड्रीम होता है बंदे का वो कंप्लीट करना स्टार्ट करूँ और वही अपलोड करता जाऊँ वीडियो। तो अभी मुझे जो मतलब अच्छा कंटेंट लगेगा उसको वो थोड़ा सा फॉलो करूँगा, ठीक है ना। और मैं भी हो सकता है कि ये मैं चेंज कर दूँ, चाहे मुझे 10 मिनट 5 मिनट की खाली वीडियो ऐसे सामने अपने कैमरा करके बनानी पड़ी तो मैं अपलोड कर दिया करूँगा, क्योंकि मुझे 1 वीक में लाजमन 2 वीडियो अपलोड करनी है। तो आपसे थोड़ी सी मतलब बात इतनी ही बतानी थी आप लोगों को, बाकी हम इंशाल्लाह ताला अच्छा कंटेंट लेके आएंगे इसके ऊपर। और आपको एक मेन बात बता दूँ, ये रियल वाली बात है कि आपके जो उनसे मतलब दोस्त जितने भी होंगे आपके साथ बैठते उठते होंगे, उनमें से एक दो होंगे जो कोऑपरेट करते होंगे आपको, ठीक है ना। और जो से 99 बंदे होते हैं ना, वो आपको फुल पंप कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आपको चाहिए कि आप लोग अपने फोकस सिर्फ जस्ट जिस चीज पे आपको नजर आता है तो आप लोग अपलोड करते जाओ, ठीक है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी ये मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है ना। और सब्सक्राइब तो नहीं फिलहाल करता, बाकी जो भी वीडियो देखते हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब से मैं सऊदी में आया हूँ मेरे 100 से ऊपर व्यूज भी जाते हैं वीडियोस के ऊपर, ठीक है ना, चाहे 3 दिन बाद चले जाए चाहे 4 दिन बाद। और रिसेंटली मेरी एक वीडियो जो है ना उस पे 500 व्यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। मुझे उस वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ना नजर आया व्यूज का, ठीक है ना। तो मैं बहुत ना हैप्पी हूँ, मैंने कब दोबारा हम लोग वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। अच्छा, मुझे लगा था कि परदेश में व्लॉग बनाना बहुत ईजी होगा, बाकी बंदा कंफर्टेबल नहीं रहता व्लॉग बनाते हुए, ठीक है ना। बंदे को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली ना कॉन्फिडेंस वो आ जाता बंदे में, ठीक है ना। पहले तो नहीं है बंदे का होता, बाकी कुछ लोग बातें भी करते हैं, आपको इन उन चीजों को सबको इग्नोर पे रखना है, ठीक है ना। वो यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो खली वली, बाबा जी तुसी अगर अपने चीज से फोकस किया है तो आप लोग कर जाओगे, ठीक है ना। आई डोंट नो कि मेरा आगे क्या होगा इस यूट्यूब चैनल का, बाकी मैंने अपलोड करते जाना है, ठीक है ना। अभी हम ब्रेक भी खत्म होने वाला है, ठीक है ना, और आपसे मुलाकात करेंगे छुट्टी के टाइम, और फिर वहां पे हम खाना वगैरह खाएंगे जाएंगे, देखते हैं नेक्स्ट का मुझे नहीं पता, मैं प्लान नहीं कर रहा होता अभी, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी वीडियो प्लान करके भी बनाएंगे, और ये एक सेब पड़ा हुआ मेरे पास, इसको पहले प्लान करके खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाचो सेब खाया गया, तो अभी हम काम पे भी चलते हैं। माशाल्लाह ये देख सकते हो कि टोटली यहाँ पे भी ये वाला सारा फ्रेम लग गया हुआ है, ये ब्लॉक्स जो उनसे हैं ये बॉक्स बन गए हुए, ये भी ये भी ये भी ये भी सारे, ये टोटली ये बन गया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे इसको थोड़ा सा ना क्या नाम लेते हैं, एक लेवल पे ला के ना पूरे स्ट्रक्चर को, ताकि अगर अप डाउन है ना तो एक लेवल पे आ जाए, ठीक है। और अभी हम इस फ्रेम को अगर धागे से लेके आएंगे, अब तो छुट्टी का टाइम हो गया, छुट्टी करने लगे, ठीक है ना। और इसको जिप्सम जो सा लगाना ना पूरे जितना भी ये फ्रेम लगा हुआ ना स्ट्रक्चर, इसको एक धागे में ना लेवल पे करेंगे, और फिर इसके ऊपर लगा देंगे जिप्सम, फिर पेंट, फिर पॉलिश वगैरह जो भी करना हो, ठीक है ना। तो अभी हम चलते हैं, छुट्टी हो गई हमें, और अब हम चले जाने लगे हैं अपने कैंपों में, और पहले जाएंगे बस के पास, फिर पंचिंग करेंगे, फिर बस में बैठेंगे, फिर जाएंगे हम अपने कैंप में। तो ये भी मैंने शूज़ आ रहे हैं, अभी हम दिन के दिन ही यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है ना। ये मेरा रूम है 69, तो अभी हम रूम में जाते हैं फ्रेश होते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ये हम लोग फ्रेश होके आ गए, ठीक है ना। अभी हम लोगों को नींद आई हुई है, तो अभी हम लोगों ने सोना है, फिर हम लोग खाना खाने जाएंगे। वाचो अभी मैं उठ के, ठीक है ना, अहमद वगैरह के रूम में आ गया हूँ, और अभी हम लोग जाने लगे हैं प्राइवेट मैस में। यहाँ हमारे कैंप में भी एक मैस है, वो प्राइवेट है, ठीक है ना। वहाँ से आपको पाकिस्तानी पाकिस्तानी इंडियन खाना भी मिलता है, सब मिलता है, सब मिलता है, मतलब अच्छा टेस्टी खाना आपको वहाँ से मिल जाता है, फीका नहीं होता वो। तो अभी हम सब लोग जाने लगे हैं, मेरे साथ शाहजी भी हैं, आजम भाई भी हैं, मलक भी। तो हमने ये अहमद भाई की ड्यूटी पहन ली है, हमें सर्दी बाहर बहुत लग रही है, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, सर्दी भी है, तो हमने कहा अहमद भाई के, अहमद भाई से हुडी लिया बगैर पूछे, साफ ही है ना, तू आई है ना, तो ये दो गिरिया सी मैं के चाचे नु दे दी, इसने इसकी तपरी मारी थी हमने पहले, और मैं कसम अल्लाह दी खच मार रहा है। वहाँ पे बहुत ज्यादा रश था, ठीक है ना। तो हमने कहा वहां से पराठे ले लेते हैं, और ये चिकन पड़ा हुआ है, मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये चिकन है और साथ में दाल है,
और पराठे हम चाय के साथ भी खा सकते हैं रात को, तो चाय बन रही है अभी, तो अभी हम पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। ये पराठे चेंज हो गया लेदर। चाय के साथ पराठा खाने को रात को अपना ही मजा है। तो बच्चों हमने खाना वगैरह खा लिया, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजा आया, और फिर हमने कहा चलो अब चलते हैं चलने वाले। और अभी लोग हम लोग खाना खा के जा रहे हैं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि आते जाते वीडियो बना रहा होता है, बाकी कोई नहीं हम बनाएंगे, नो टेंशन। और अभी हम लोग इस वीडियो को करते हैं खत्म, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज।